तो मैटर हो गया भाइयों, किसी ने अर्पित बाला के शो पे अर्पित बाला को शॉर्ट कर दिया, तो इस बात पे पूरी खत्म होता है, पूरी मारपीट शुरू हो गई। किसी चूते ने अपने मजे के लिए अर्पित भाई को छुआ गलत तरीके से, तो अर्पित भाई ने उसको उसकी औकात दिखा दी। क्या हुआ था, हम लोग बैंगलोर में थे, मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई थी, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई थी, तो हम लोगों को बीच में पहले गाने के बाद ही शो रोकना पड़ा था। लड़ाइयाँ हुई, 10 people were kicked out, थोड़ा सा माहौल शांत हुआ, हम लोगों ने वापस से स्टार्ट किया, सब कुछ खत्म हुआ। जैसे ही सेट खत्म हुआ मैं गया वॉशरूम, और उसके बाद मैं वॉशरूम से निकल रहा था, मैं कुछ ऐसे ही निकल रहा हूँ और मेरे आसपास 3-4 बाउंसर्स थे, बट मैं चल रहा हूँ और एकदम से आई फील समबडी इज ट्राइंग टू कॉप अ फील ऑफ माई एस। मैं बोला चलो ठीक है, कोई नहीं भाई, होंगे शौक, कोई नहीं। और फिर ना वो धीरे धीरे हाथ जो होता है ना, वो ऐस से आगे आके लिटरली ट्रेसेस माई अंडरवेयर एंड ट्राइज टू गो टुवर्ड्स माई क्रॉच। भाई मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसका हाथ पकड़ा और वहीं की भाई उसको घूरा और बस उसके चिल्लाने लग गया कि मैं तेरी माँ। एक तो मुझे तुम ये बताओ, अगर तुम उसके शो पे जा रहे हो भाई, तुमको ये हक किसने दे दिया कि तुम कहीं भी छीन सकते हो उसको? तुम 5-6 हज़ार रुपये देके उसके शो में जा रहे हो और तुम उसको छीने का किसने दे दिया भाई? अब 4-5 लाख रुपए की बात हो तो बात अलग है, और लोग इतने चूतिए हैं भाई, 4-5 लाख के लिए कुछ भी कहानी बना रहे हैं। अर्पित भाई ने लड़की को मार दिया, बाला भाई ने लड़की को पीट दिया, ऐसा वैसा। तुम उसके फैन हो अच्छी बात है भाई, शो में जा रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम कहीं भी छीन दो भाई, ये हक तुम्हें कभी नहीं मिलता। बाला भाई ने बस चलाया था गुस्से में आके, मैं होता 4-5 रैपर्ड और मारता, और बस सोच के देखो यही सेम चीज़ हो जाएगी इस लड़की के साथ। तो भाई लोग पीटेंगे ना भाई उस आदमी को, तो इसी वीडियो में बाउंसर ने मारा उस आदमी को। वीडियो में एक लड़की नहीं दिख रही है, चूती अपनी गाने बना रहा है कि भाई लड़की से लड़ाई हो गई। मुझे समझ नहीं आता भाई, अगर कोई यूट्यूबर वीडियो बना रहा है तुम्हारे लिए, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा जान पहचान वाला है, तुम्हारे साथ रहता है वो, जब मन करे बुद्धि पकड़ दो उसकी, जहाँ मिले भाई पकड़ लो उसको। तुम सोच के देखो भाई, तुम कहीं भी जा रहे हो, तुमको कोई जबरदस्ती कहीं भी छी के दिखा दे तो मारोगे ना उसको। और सबसे डम आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई सारी की सारी ऑडियंस ऐसी अर्पित वाला की, शो में 1000 लोग आए होंगे, इसका मतलब नहीं कि सारे के सारे चूतिए हैं। तो मुझे लगता नहीं इसमें गलती थी अर्पित वाला की। तो बस आज के लिए इतना ही, कमेंट करना तुम्हें क्या लगता है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नाओ सब्सक्राइब करना भाई। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, जय श्री राम।